So this batch is H2M1. स्टार्ट करते हैं विद ग्रेविटेशन. द न्यू टॉपिक इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन ठीक है. इसमें व्हाट वी विल कवर, फर्स्ट वी विल कवर ग्रेविटेशनल लॉ. या हु गेव द ग्रेविटेशन लॉ, किसे दिया था? न्यूटन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है. फोर्स एंड फील्ड बाय डिफरेंट शेप्स. डिफरेंट शेप्स वी विल नॉट गो इन द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के पार्ट में नहीं जाएंगे. ठीक है. बाय डिफरेंट शेप्स पोटेंशियल एक बिट कर. Potential and potential energy. Potential energy. Then orbital velocity and escape velocity. Then satellite motion. Then Kepler's laws. Three laws are there. Then velocity projection. The last topic is velocity projection. इसमें एक बीच में ऐसे मिस हो गया है, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी है ना. जी इज क्या है, व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आज भी लिखना अलाउड नहीं है, सिर्फ देखना अलाउड है. सिर्फ देखिए, समझिए ठीक है. And make your notes from the PDF. PDF से you can make your notes. ठीक है, clear? Clear? Yes. So that will be the sequence. ये sequence रहेगा that we have to cover. चलो start करते हैं. फर्स्ट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे हुआ था, ये पहले लेक्चर में बताया था मैंने बहुत अच्छे से. टाइम अगर अच्छे से होता तो डिटेल में समझाते, लेकिन अभी टाइम कम है. दैट व्हेन न्यूटन, ये कहानी है. दैट इज अ फेरीटेल स्टोरी. क्या है, क्यों? क्योंकि समझाने के लिए कि एप्पल गिरा ये वो. ठीक है. ऑल्दो ग्रेविटी के बारे में सम प्रोफेसर वर डूइंग देयर रिसर्च, पहले से हो रही थी, लेकिन एग्जैक्ट थ्योरी न्यूटन की है ना. इवन ग्रेविटी के लिए ही डेवलप कैलकुलस विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़ है ना, उनके साथ मिलके उन्होंने कैलकुलस भी डेवलप किया था. तो एप्पल वाला कुछ आपको सीन पता होगा. बट एक्चुअली व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी? लॉ ऑफ ग्रेविटी इज व्हेन टू मासेस आर आर डिस्टेंस अपार्ट they will attract each other. F1 force on one because of two and force on two because of one. F1 2 F2 1 ठीक है. So magnitude of forces will be same because of Newton's third law. F1 2 is equals to F2 1 is equals to F. That F is proportional to multiplication of masses. And that F is inversely proportional to R square. So force of gravity will be, what will be the force of gravity? F is equals to, when you remove the proportionality constant, it will be G M1 M2 by R square. Clear? This is the force of gravity.
साइन आप इधर से देख के बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से. दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जी इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. एम मासेस विल बी इन केजी एंड आर विल बी इन मीटर. क्लियर है? द यूनिट ऑफ जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न बिकॉज यू कैन डेराइव द यूनिट. कैसे डेराइव करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस से. एफ इज न्यूटन, जी केजी स्क्वायर अपॉन में लेंथ स्क्वायर. सो यू कैन डेराइव द यूनिट, है ना? यूनिट यहां से निकल सकती है. क्लियर? इज इट क्लियर? So this is the law of gravity. This is for the masses. Achha, one thing you have to remember, force of gravity is always attractive. Always attractive force. This force can't be, कभी भी ये, it can't be repulsive. ये repulsive हो ही नहीं सकता, ठीक है? Gravitational force is always attractive in nature. Always attractive force. ये याद रखना है, ठीक है? कभी भी gravitational force repulsive नहीं होता. समझ में आया? इज इट क्लियर? बोलो. हाँ सर. चलो इतना देख लो. एनी डाउट? कोई भी डाउट है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? इज देयर एनी डाउट? यस. सो ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव क्यों नहीं हो सकता? बेटा दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता. जो मतलब जो पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन, उनको ग्रेविटॉन जैसे बोलते हैं. तो होगा क्या? दे ओनली अट्रैक्ट ईच अदर, कभी भी रिपल्शन क्रिएट नहीं करते हैं. वो कभी भी रिपल्शन क्रिएट नहीं करते हैं. मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है उसकी. समझ में आया? ये लॉ है. मतलब एक तरीके से लॉ को आप प्रूव नहीं कर सकते. चैलेंज क्यों और क्या उसमें कर नहीं सकते, ठीक है? ठीक है सर. ठीक है. जैसे सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सर्फेस, तो आपको अर्थ को सरफेस अट्रैक्ट नहीं, आपका फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे होता है. क्लियर? समझ गए? यस सर. दैट बी दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेंटर फोर्स, है ना? क्लियर? आगे बढ़ रहा है. नोट करने का टाइम भी नहीं दे पाएंगे आज, ठीक है, क्योंकि कवर करना है काफी कुछ. अच्छा ऐसे बोल दिया तो मैं लिख देता हूँ. सेंट्रल फोर्स, वाई वी कॉल इट सेंट्रल फोर्स, बिकॉज सपोज इफ यू आर हैविंग सो मेनी ऑब्जेक्ट्स ओवर अ स्फीयर, या अर्थ ही मान लो. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, है ना? दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ठीक है? साउथ पोल पे कोई ऐसे खड़ा है, ठीक है? दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर पे कोई ऐसे खड़ा है, इस पे ऐसे खड़ा है. So force of gravity will be, force of gravity will be towards the center, towards the center. ये सबको center की तरफ pull कर रहा होगा, ठीक है? Sir, it will be from the center of mass of the people, right? Yeah, it will be from the center of mass. It will be acting. मैंने बताया था ना, force of gravity acts on center of gravity, and in 99% cases, center of gravity and center of mass are both are same, है ना? ठीक है? सेंटर लगेगा, ठीक है? क्लियर? ठीक है, सेंटर टू सेंटर, ठीक है? दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेंट्रल फोर्स. क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट?
sir. Okay. So next is gravitational field. Gravitational field. अच्छा, before 2014, gravitational field concept was theoretical, but I guess that is 2014. मतलब year शायद आगे पीछे हो सकता है, but after that देखो उसका that concept is given by आइंस्टीन ने दिया था that yes gravitational field exists, है ना, but prove नहीं था. But after that research, that has been proved that gravitational field actually exists. होता क्या है? Whenever you take a mass, so उस mass के आसपास it will be having its own gravitational field. ऐसे attractive, इसको खींच रहा होगा ऐसे, है ना. अब इस field में जो भी आ जाएगा उसको attract करके अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है. Why I'm taking this field towards the center? Because these fields are attractive, है ना. ये attractive field होती है. अभी field होती क्या है? I will denote these field by EG. Why EG? E for field, है ना. E for field and G for gravitational field. Okay. So what is gravitational field? What is gravitational field? तो देखो, if you take capital M mass, so force on this small m, because of this capital M, F will be, what will be this F force? What will be this F force? This is at point P at a distance R. What will be this force F? It will be G M M by R square. Correct? Is it correct? Is it correct? Yes, sir. So, field is defined as the force acting per unit mass. Force acting per unit mass. Suppose you don't have this mass M, but you have to calculate a field, that how much amount of field it will be providing at point P. So per kg, okay. So that field is equals to Eg is equals to Gm by R square. Whenever you multiply this Eg with mass, any mass, you will get the force. Okay, clear? Is it clear? Clear hai? So gravitational field is defined as just a minute. Gravitational field is defined as force acting on per kg mass by an object. ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड. सो सपोज इफ यू आर हैविंग एम मास, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ यू आर हैविंग ए कैपिटल एम मास, सो दिस कैपिटल एम मास विल प्रोवाइड अ फोर्स एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर. इट विल प्रोवाइड एफ फोर्स. सो एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर. दिस इज द फोर्स. सो फोर्स पर यूनिट मास is equal to gm by r square. This is Eg. Clear? This is Eg. This is gravitational field. Is it clear now? Gravitational? Yes, sir. Field. So whenever you multiply any mass with this field, you will get the force. This is same as when you multiply F equals to mg. So technically, gravitational field and acceleration due to gravity, both are same thing. Haan ya na? Clear? Is it clear? Yes, sir. Both are same thing. Yeah? Ek hi cheez hoti hai. Acceleration due to gravity. But acceleration due to gravity is a different term that belongs to the acceleration part only. But gravitational field kaisi hai? These are the gravitational fields. Hai na? Usko pura bana sakte hai. एक्सेलरेशन को आप हर टाइम थोड़े ना एक ही लाइन पे बना सकते हो ना, मल्टीपल थोड़े ना दिखा सकते हो, बट यू कैन शो ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, विद सो मेनी लाइन, है ना. तो यहाँ पे डायमेंशन विल बी सेम, टर्म्स अलग अलग हैं, बट बोथ आर सेम थिंग, है ना. अगर उनकी बात करें तो है वो एक ही चीज, ठीक है. क्लियर है? मैग्नीट्यूड विल बी सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट जस्ट टू डिनोट इन अ फिगर यू कैन डिनोट द दिस फील्ड, यू कैन शो, है ना, यू कैन शो दिस फील्ड, बट एक्सेलरेशन यू कांट शो. You can only show the acceleration
if you take a small m object, then you can show that this will be going with this some acceleration small gm. Okay. So gravitational power is object specific, but this field part is depending on this capital M. This capital M. Clear? Now we will write some properties of this field. Properties. What will be the properties of the go? Properties will be properties of EG. Same property होती है ना, all fields will be having same property, चाहे electric field हो चाहे gravitational field हो, everything. First one, सबसे पहले they never intersect each other. Two field lines never intersect each other. कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे. Two field line never intersect each other. ठीक है, याद रखना. Next. Tangent drawn will give the direction of field lines. जैसे सपोज फील्ड लाइन्स ऐसी है, ऐसी. तो वेन एवर यू ड्रॉ अ टेंजेंट, अगर इस पर टेंजेंट बनाओगे इस तरह, तो इस तरह में वो डायरेक्शन दे देगा आपको, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. एंड द लास्ट वन, क्लोजर द फील्ड लाइंस हायर द इंटेंसिटी, हायर द intensity. Clear? Closer the field line, higher the intensity. Clear? Is it clear? Bro, clear? Yes, sir. Chalo. Next. Question hai? Isi pe hi question aa jayega. That will be given with the question. Aise kuch aayega. This is the case. These are the field lines. A, B, C. यहां पे the field line is EA, EB, EC. Which field line? अच्छा, arrange these field lines in decreasing order. Arrange these field line in decreasing order. है ना? Field lines in decreasing order. Which field line will be having the higher intensity? क्या होगा बताओ. 1 मिनट. Done. It will be. Yes, sir. देखो, yes, sir. Which field lines are closest one? This EC, na? So EC, then EA, and the weakest one is EB. Correct है? Correct है? Yeah, sir. The closer the field lines, देखो यार, it's very simple. यार, बारिश देखी होगी ना सबने. कभी कभी बारिश अच्छी सी होती है ना, मतलब ऐसा लग रहा होता है. हाँ ठीक है, कभी कभी इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, उसकी फील्ड लाइंस मतलब कि ये दैट वाटर ड्रॉपलेट्स, ऐसा लग रहा है गोलियां चल रही हैं, तड़ा तड़ा से लगती है ना. क्यों? बिकॉज ऑफ फील्ड इंटेंसिटी. क्लोजर द वाटर ड्रॉपलेट्स, जितना पास होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी. और वही अगर एकदम बिल्कुल दूर दूर है, काफी माइल्ड रेनफॉल आपको फील होगा. ठीक है,
whenever you see this type of figure, तब आपको याद रखना है कि फील्ड लाइन जितना क्लोज होगी द इंटेंसिटी विल बी हायर, ठीक है। और ध्यान से देखो इफ यू टेक दिस फिगर, देखो फील्ड लाइन्स जैसे जैसे दूर जा रहे हो फील्ड लाइन्स का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, दिस सेपरेशन इज इंक्रीजिंग ना, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? बोलो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। सो नाउ वी विल फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फील्ड। कुछ को मैं डराइव करवा दूंगा, कुछ को मैं डराइव नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ फॉर्मूला नोट करा दूंगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट शेप्स कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वी विल टेक द केस ऑफ पॉइंट मास, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पॉइंट मास। अच्छा याद रखिएगा, सब हर चीज का बेस क्या होता है? पॉइंट मास है ना, डिफरेंशियल मास, दैट इज द बेस ऑफ एनीथिंग। यू कैन कैलकुलेट एनी शेप, कुछ भी निकाल सकते हो, वेदर इट इज सेंटर ऑफ मास, वेदर इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूजिंग इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज, ठीक है। सेकेंड इज रॉड, थर्ड इज रिंग, फोर्थ इज आर्क। फिफ्थ इज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर। सिक्स्थ इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सो फॉर दीज केसेस वी विल कैलकुलेट द फील्ड लाइन्स, है ना, जहां जहां पे हो जाएगा वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ नोट करा दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट मास का फर्स्ट इज पॉइंट मास, पॉइंट मास। सो फॉर द पॉइंट मास, एम at any point P, what will be the field? E is equals to GM by R square. E is equals to GM by R square. Simple, it's very simple. Yeah? Simple ही रखो उसको, ज़्यादा complex मत करो, इतना ही रहता है उसको, ठीक है? Clear? Then, for case of rod, रॉड में एक तो मैं आपसे डराइव कराऊंगा फॉर द केस ऑफ रॉड, जो सिंपल वाला है। डिफिकल्ट वाले का वी विल टेक द फॉर्मूला, और हम लोग जब इलेक्ट्रो पढ़ेंगे 12th में तो हम इसको डराइव कर लेंगे। दिस इज द रॉड, ये रॉड है। यहां पे यू हैव टू कैलकुलेट दिस इज ऑफ मास एम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनी आइडिया हाउ वी विल कैलकुलेट द फील्ड ऑन दिस पॉइंट पी? कुछ अप्रोच, टेक दिस डीएम मास ऑफ लेंथ डीएक्स, दिस इज एक्स। सो व्हाट विल बी द डीएम मास? डीएम इज इक्वल्स टू लैम्डा डीएक्स, करेक्ट? इज इट करेक्ट? डीएम इज इक्वल्स टू लैम्डा डीएक्स, करेक्ट है कि नहीं? लैम्डा इज एम बाय एल इंटू में डीएक्स। बोलो भाई, इज इट करेक्ट? क्लियर है? चलो, व्हाट विल बी डिफरेंशियल फील्ड? इट विल बी जी डीएम बाय एक्स स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू जी, व्हाट इज डीएम? एम बाय एल डीएक्स by x square. Just go for the integration. E is equals to integration of dE g m dx by l x square. Okay? X square. So what will be the limit? The x will start from a and it will go up to
L plus A. This is the point 0, 0. So the x will start from A and it will go up to L plus A. Clear? The limit is clear. So from A to L plus A, that is equals to minus G M by L x. Put the limit A to L plus A. Gm by L, reverse the limit, you will get the minus. ऐसे आएगा. ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, बस समझना है कि कैसे निकाला है, ठीक है? क्योंकि ये भी आपसे पूछेगा नहीं, ये भी आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है? इलेवेंथ में नहीं पूछेगा ये, बस ये इसलिए है, just to get a approach that how we will calculate द फील्ड यूजिंग इंटीग्रेशन. क्योंकि पॉइंट मास का तो हम लोगों ने अभी देख लिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देख लिया इसका यूज करके. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? सर लिमिट क्यों रिवर्स किया? माइनस साइन है ना, माइनस साइन. इफ यू टेक दिस नेगेटिव साइन तो लिमिट को उल्टा कर सकते हो आप, लिमिट को रिवर्स कर सकते हो आप. नहीं भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा, नहीं भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा, करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है? यही आंसर माइनस में आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है. डजंट मैटर, आप लिमिट उसको उल्टा करो, सीधा करो, अगर आपको जो आता है उतना ही करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, करके देखो वही आएगा, ठीक है? क्लियर? ठीक है सर, क्लियर. चलो नेक्स्ट. अगर रॉड ऐसा है, केस टू, दिस इज केस वन, रॉड ऐसे रखा हुआ है, दिस इज केस वन. नाउ द केस टू, केस टू, व्हाट इज केस टू? अगर रॉड इस तरीके से है, ठीक है, सो एट दिस पॉइंट पी, this is the alpha, this is beta, point P. This is EX, and it depends whether it will go up or go down. EY, I'm taking upward. देखो, when it will be upward, अगर if you're taking this point P, अगर ऊपर वाला जो part है, वो बड़ा है, तो EY will go up. If नीचे वाला पार्ट इज बिगर वाई, तो ई वाई नीचे आएगा. समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऊपर वाला पार्ट बड़ा है तो इधर अट्रैक्टिव ज्यादा होगा, तो ई वाई ऊपर आएगा. अगर नीचे वाला पार्ट बड़ा है तो इधर अट्रैक्टिव ज्यादा, तो ई वाई नीचे आएगा. लेकिन ई एक्स विल ऑलवेज टूवर्ड्स द रॉड. समझ में आया? इज इट क्लियर? नहीं समझा? सर आपने ई एक्स का क्या बोला था? ई एक्स तो हमेशा इधर ही आएगा. देखो, एट एनी पॉइंट इफ यू टेक दिस डीएम मास, तो DE इस तरफ आएगा, DE, तो DE का कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक इधर आएगा. अगर इधर लोगे DE, तब भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा. इधर वाला तो हमेशा इधर ही आ रहा है, लेकिन वर्टिकल वाले ऊपर नीचे जा रहा है, तो वर्टिकल वाला नेट जो आएगा वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, दैट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द रॉड, है ना, कि ऊपर बड़ा है कि नीचे बड़ा है. क्लियर? क्लियर? यस सर. सो ईएक्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज G lambda by this separation is A. Take this separation A. G lambda by A. What is lambda? Mass upon my length of rod. Sine alpha plus sine beta. EY is G lambda by A cos अल्फा माइनस कॉस बीटा. जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड, है ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना, डायरेक्शन अपने आइडिया से बनाना, कभी गलत नहीं होगा, है ना. टेक द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर आइडिया. अभी आइडिया क्या आएगा? आइडिया ऐसे आएगा, मैं यहाँ पे बना ही दे रहा हूँ कि कब ई वाई ऊपर. एक ही चीज गलत हो सकती है. अच्छा, इसमें एक चीज तो हमेशा गलत हो सकती है, अगर आप कॉमन सेंस खो दें, अगर रॉड को अगर रोटेट कर दें
तो बेटा ई वाई ई एक्स बन जाएगा एंड ई एक्स विल बिकम ई वाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? समझा? सर। ठीक है, उसमें ऐसे रट्टा मत मार लेना कि यही ई एक्स होता है। इफ यू चेंज द ओरिएंटेशन तो आपका दैट इट विल रिवर्स ना, ई वाई ई एक्स बन जाएगा और ई एक्स ई वाई। अब इसमें बस ये याद तो रखना है, फॉर्मूला सेम रहेगा ना? फॉर्मूला विल बी सेम बट ई वाई ई एक्स वो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे याद कर सर लो कि कब ई वाई ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। ठीक है, वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। दिस इज द पॉइंट, ई एक्स इस तरफ होगा, ई वाई नीचे होगा। ठीक है, सर यस ई एक्स उसके जस्ट नीचे जो एंगल है वो भी हो सकता है ना, अगर ई वाई नीचे के डायरेक्शन में है तो। क्या? सर ई एक्स सर अगर ई वाई नीचे के डायरेक्शन में है तो ई एक्स उसके जस्ट नीचे जो एंगल है वो होगा ना मैं समझा नहीं भाई, अगर जस्ट क्या ई एक्स, सर? आपने बोला ई वाई का दो डायरेक्शंस है, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, राइट? हाँ हाँ सर। सो आई वाज आस्किंग कि ऊपर है तो ई एक्स वो अल्फा है। अल्फा नहीं, अल्फा बीटा एंगल्स, दीज आर द एंगल्स। अच्छा, ओके सर, ओके सर, कैसे गॉट इट? अल्फा बीटा एंगल्स है ना, ऐसा आई गॉट कंफ्यूज। अल्फा बीटा एंगल्स। नहीं, दैट इज नॉट, दैट्स नॉट द कंफ्यूजन, ये कुछ और है बेटा। ठीक है, नहीं नहीं सर, एक्चुअली आई थॉट ई एक्स इज द एंगल, सो दैट्स व्हाई लाइक ना ना, एवरीथिंग हाउ वेंट कुड बी, रॉन्ग। ई एक्स इज द फील्ड ना, ई एक्स एनी वाई आर द फील्ड, बट अल्फा यस बीटा आर सर, एंगल्स। ओके, दीज आर द एंगल्स। सो बट बेटा आई एम टेकिंग इट साइन अल्फा साइन बीटा ना, तो दैट मस्ट बी एंगल ना। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। सो दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन विच एट विच पॉइंट यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द फील्ड। इफ यू आर टेकिंग दिस विद दिस पॉइंट, सो इफ दिस लोअर पार्ट इज ग्रेटर देन दिस अपर पार्ट, सो ई वाई विल बी डाउनवर्ड। इफ दिस अपर पार्ट इज ग्रेटर इन लेंथ कंपेयर टू द लोअर पार्ट, दिस ई वाई विल बी अपवर्ड। क्लियर? इज इट क्लियर? Can यस। you please rotate the Venn diagram again? विच डायग्राम? दिस वन। इफ यू रोटेट, हाँ, हाँ इफ यू या रोटेट, सॉरी, एक मिनट। हाँ सर, ई एक्स स्टिल वर्क इज ई एक्स ओनली ना? नहीं, नाउ दिस ई एक्स इज इन वाई, इज इन एक्स डायरेक्शन, दिस ई वाई इज इन एक्स डायरेक्शन, सो इट विल बिकम ई एक्स एंड दिस विल बिकम ई वाई। ओके, द फॉर्मूला ओके, विल, आराम द फॉर्मूला, से ओके ओके, द मिलाए। फॉर्मूला विल रिमेन सेम। आप ऐसे ही बनाओगे तो सेम है, ठीक है, ऐसे ही बनाओगे एज इट इज बनाओगे तो सेम है, दैट इज सेम। लेकिन अब आप ये मत बोलना कि आपने इधर ई वाई बना दिया, ई वाई इस तरफ बना दिया और फॉर्मूला ये डाल दिया, ये मत करना। ठीक है, ठीक सर, फिर सर ईएक्स विल बी टुवर्ड्स एम ओनली ना, मतलब फॉर्मूला हाँ, सेम होगा ना? ई एक्स विल बी टुवर्ड्स एम एंड ई वाई विल बी अलोंग रॉड। ठीक है, इसको लिख यस लो चाहो तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अलोंग रॉड और ये टुवर्ड्स रॉड, अब कंफ्यूजन थोड़ा कम कर देगा ये। ठीक है, क्लियर? सर क्लियर? मतलब रॉड रोटेट करने पे ई एक्स को निकालने के लिए ई वाई का फॉर्मूला लगेगा। देखो देखो, ये जो लिख दिया है ना मैंने, अब इसको रोटेट कर दिया, तो दिस इज अलॉन्ग रॉड, अलॉन्ग रॉड। अब अलॉन्ग रॉड जो भी होगा वो लिख देना, अलॉन्ग रॉड, दिस फॉर्मूला इज अलॉन्ग रॉड, वेदर इट इज ई एक्स ई वाई जो भी हो, और दिस इज टुवर्ड्स रॉड, टूवर्ड्स रॉड। अब समझ गए? हाँ सर। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सिंस यू आर टेकिंग ई एक्स एंड ई वाई, कैन वी टेक ई वन एंड ई टू, सो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, सही कह रही है। लोग हो बहुत होशियार लेकिन कभी शो ऑफ नहीं करते हो ना, है कि नहीं सडेल? अब ये दैट वाज ई टू, दिस इज ई वन। नाउ नाउ इट्स क्लियर? अभी सही है? ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही लिख लेना, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेना। देखो यार, इट्स अप टू यू, कैसे कंफ्यूज होना है, अगर नहीं होना तो समझोगे उस हिसाब से, मैंने समझा दिया है। अब उसके बाद भी अगर वहां पे एग्जाम में गलत हो जाएगा
कुछ कर नहीं सकते इसमें, ठीक है? ठीक है, क्लियर? अभी क्लियर है? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नाउ इसमें देखो, इसमें क्या, वैसे ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, वो हार्डली आपको पैकेज में इसके क्वेश्चन मिले रॉड के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिल जाएंगे किसी और बुक में या इन योर AITS, इन सब में क्वेश्चन वाले आ जाएंगे, ठीक है, रॉड वाले, इसलिए रॉड वाला करना जरूरी है। अब रॉड में भी केस होगा, रॉड में भी केसेस होते हैं, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, व्हेन यू टेक सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है, वन एंड इज इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब कि यू कैन टेक दिस दिस एंड, यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है, तो वन एंगल, दिस वन एंगल, इफ दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, है कि नहीं, दिस एंगल, नहीं समझा? ये जो है अगर इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, तो बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री ही हो जाएगा, बोलो। इफ दिस एंड, ये एंगल अगर इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे, तो ये एंगल कितना, इन्फिनिटी तक जाते 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 ये 90 डिग्री टर्न नहीं हो जाएगा, दिस एंगल, बोलो, क्लियर? नहीं समझा? सर 90 डिग्री कैसे होगा, सेम आगे जा सकता है क्या? 90 के आगे? 90 के आगे कैसे जा सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, 90 के आगे थोड़ी ना जा सकता है। ये देखो इधर, यहां पे आपने बनाया, यहां पे जैसे यहां पे बनाया, तो कुछ एंगल फाइनाइट है, ठीक है, यहां पे खींचते खींचते अगर आपने उसको और खींच दिया, जैसे यहां पे बनाया, ठीक है, पॉइंट, तो अभी आप एंगल देख रहे हो, ठीक है, फिर आपने कहा कि नहीं हम इसे इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, और करते 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 कितना जा सकता है, इतना ही तो जा सकता है, 90, ऐसे थोड़े ना जा सकता है इस तरफ, समझे? हाँ सर। ठीक है, तो ये मैं बता रहा सर हूं, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना सकता ना? ऑब्ट्यूज कैसे बना सकते हैं, ऑब्ट्यूज का मतलब है रॉड इस तरफ है, ठीक है, सो इट विल, इट कैन गो अप टू द एंगल, देखो ये करते 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 ये एंगल 0 हो सकता है, ये एंगल 0 हो सकता है, और ये एंगल 90 हो सकता है, मैक्सिमम यही हो सकता है ना, है कि नहीं, क्योंकि ये तो 90 है ही, क्लियर, हाँ समझा? सर। सर तो कौन सा एंगल 0 है? ये वाला, दिस एंगल, ठीक है, समझा? तो हाँ सर। इसमें क्या हो जाएगा, इवन इस तरफ आएगा, यहां पे इवन ही लिया था ना, इवन, हाँ इवन, सो दिस इज इवन एंड दिस विल बी ई टू, इवन इज इक्वल टू जी लैमडा, जरूर लैमडा है ना, यू कैन टेक इट लैमडा, ये यहाँ पे लैमडा बाय दिस इज ए, इवन कितना है, व्हाट इज इवन, इवन में, इवन में अल्फा, किसी एक एंगल को यू कैन टेक, यहाँ पे अल्फा यू कैन टेक 90 डिग्री एंड बीटा यू कैन टेक 0 डिग्री, दैट इज साइन 90 डिग्री, एंड ई टू को यू कैन टेक जी लैम्डा बाय ए कॉस 0 डिग्री, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, वैसे भी सिर्फ वी आर कैलकुलेटिंग ओनली मैग्नीट्यूड, एक एंगल 0 हो गया, इसमें एक एंगल 90 हो गया, वी आर टेकिंग जस्ट मैग, कभी भी साइन से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ओनली टेक मैग्नीट्यूड, हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू इवन इज इक्वल टू जी लैमडा बाय ए एंड ई टू इज ऑल्सो सेम जी लैम्डा बाई ए, क्लियर, क्लियर, इट क्लियर? अरे यस सर। एंड इफ यू टेक, ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट यही चल रहा है, इसके बाद जिंदगी आसान है, ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी सब तो मजेदार है, हल्का टॉपिक है। अब केस टू में, केस टू में क्या ले लो, केस टू में यू कैन टेक
इनफाइनाइट इनफाइनाइट रॉड से नॉट द सेमी इनफाइनाइट दैट इज द इनफाइनाइट रॉड दिस वन इफ यू टेक पॉइंट पी फॉर दिस वन देर विल बी ओनली इवन सिर्फ ओनली इवन विल बी देयर बाय बिकॉज इधर का e2 will get cancelled by equally by this e2. So net kitna ho jayega? It will be zero. Formula se bhi wahi aayega. Formula se bhi wahi aayega. Theek hai? Ab ye batao, both angle will be kya? 90 degree, haan ya na? This will be 90 na? 90 degree. Dono khinch jayenge na infinity? माइनस इनफिनिटी आया ना क्लियर दिस इज ए सर वो आप ए टू के बारे में क्या बोल रहे थे इधर वाला इक्वली गेट कैंसल ना बराबर कैंसल हो जाएगा ना इस वाले पार्ट का ऊपर वाला इस वाले पार्ट का नीचे वाला दे विल गेट कैंसल ना इक्वली नहीं समझा Nice, sir. E1 is equals to, now यहाँ पे alpha is equals to beta, both are 90 degree. E1 is equals to G, lambda by A, sin 90 degree. अच्छा यहाँ पे plus आता है, plus लिखना है यहाँ पे, मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ plus आएगा. Sin 90 degree plus sin 90 degree. That is equals to 2G lambda by A. ठीक है, 2G lambda by A, this is E1. This is E1. यही आता है दैट इज ई नेट ओनली मैं यहां बता रहा हूं मैं परेशान मत हूं ठीक है ई टू क्या होगा ई टू जी लैम्डा बाय ए कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री कितना आएगा जीरो ना समझा अभी क्लियर है अभी क्लियर है हाँ सर तो ऊपर नीचे वाले गेट कैंसल्ड ऊपर वाले EY नीचे वाले EY विल गेट कैंसल्ड है ना दे विल मेक नेट रिजल्टेंट जीरो तो कितना आ जाएगा ई नेट विल बी ओनली E1 दैट इज इक्वल टू G लैम्डा क्लियर ये आंसर आता है ठीक है कि नहीं क्लियर हाँ सर चलो इसको देख लो देखने के लिए एक मिनट वन मिनट चलो नोट नहीं मतलब नोट मेरे मुंह से निकल जाता है समझ लिया कि नहीं सिर्फ ये ऑब्जर्व करने के लिए ना बाकी पीडीएफ नोट के लिए तो दैट इज द टफेस्ट पार्ट यही डिफिकल्ट था और इसके लिए आई एम सो सॉरी इतना मैंने आपको कराया है ना क्यों क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ दैट बिलोंग्स टू द 12th पार्ट लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दे विल नॉट आस्क द क्वेश्चन इन जेई वाला सॉरी जेई निकल रहा है इन योर AITS में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे विल नॉट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम रॉड वाला है ना रॉड वाला पूछ देते हैं ऑल्दो आपको पैकेज में नहीं मिलेगा आपको बुक में नहीं मिलेगा ये इलेक्ट्रो का है एक और चीज़ है अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये क्या हो गया है मेरे साथ इंटीग्रेशन निकल गया ऊपर से कोई बात नहीं लाइफ में एक और बार मौका मिलेगा दोबारा सब कुछ पढ़ने का इलेक्ट्रो में मैं फिर से बता रहा हूँ इलेक्ट्रो में मैं जितनी चीज़ें आपको ग्रेविटेशन में करा रहा हूँ जितनी भी चीज़ें आप ग्रेविटेशन में कर रहे हो ये फिर से आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रो में पढ़ोगे इवन इलेक्ट्रो पढ़ने के बाद इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द कैपलर्स लॉ ये जो कैपलर्स लॉ है ना यहाँ सिर्फ ये एक्स्ट्रा पढ़ लो बाकी पूरा का पूरा ग्रेविटेशन जो है पूरा इलेक्ट्रो के साथ सेम होता है कुछ भी अलग नहीं है सब कुछ सेम है ठीक है बस कुछ चीज़ों को चेंज करना होता है मास को चार्ज से रिप्लेस कर दो जी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दो वो सब मैं सिखा दूंगा ठीक है लेकिन अभी है तो करना ही है ठीक है, खैर पॉइंट वाज डन रॉड डन नेक्स्ट इज रिंग रिंग के लिए आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे कब वी विल डिराइव इन 12th क्लास में डिराइव कर लेंगे ठीक है सपोज यू आर हैविंग अ रिंग रिंग ऑफ मास एम पी पॉइंट पे वैसे इसके निकालने का तरीका होता है मैं एक हल्के से अप्रोच बता देता हूँ यहां से यू कैन टेक दिस डीएम मास You can take this DM mass और यहाँ पे भी you can take this DM mass. तो इसकी DE इस तरफ इसकी DE इस तरफ
दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. तो देखो द वर्टिकल डीई विल गेट कैंसल्ड, डीई साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड बाय डीई साइन थीटा. हाँ या ना, बोलो सही है. इस साइड क्या बचेगा, ओनली टू डीई कॉस थीटा. ठीक है, ये दिस डीएम, व्हाट विल बी दिस डीएम मास, डीएम मास कितना होगा, देखो दिस इज डीएम मास है ना, ये डीएम मास है. व्हाट विल बी दिस लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, इफ दिस दिस इज एक्स, इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज रेडियस आर, तो ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से. तो यहां पे क्या आएगा, डीई इज इक्वल्स टू, फाइनल फॉर्मूला याद कर लो, काम चल जाएगा. अभी मैं आपको बस लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डीई इज इक्वल्स टू डीएम मास जी डीएम बाय दिस लेंथ का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. लेकिन आपका ई नेट कितना है, व्हाट इज रिमेनिंग, देखो डीई साइन थीटा एंड डीई साइन थीटा विल गेट कैंसल, तो ई नेट विल बी इन दिस, ई नेट इधर ही आएगा. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट. सो ई नेट कितना आता है, ई नेट इज टू डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, वो कितना आता है, सीधे फॉर्मूला में नोट करा देता हूँ. जी देखो, इवन इलेक्ट्रो का, इसका मैं इलेक्ट्रो का याद करता हूँ और मैं सीधे यहीं पे लिख देता हूँ. ठीक है, आपको बताऊँगा मैं ये क्या तरीका है. इलेक्ट्रो का फॉर्मूला होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, मुझे इसका भी याद नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसका फॉर्मूला एकदम याद नहीं है, क्योंकि मैंने ये याद करके रख, मुझे यही याद है. और इसी में 1/4 pi epsilon naught को यू कैन रिप्लेस विद जी, क्यू को यू कैन रिप्लेस विद एम, एम इज द मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग इज एम, रेडियस इज आर, और एक्स तो एक्स ही रहेगा, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2. तो ये जानबूझकर मैंने ये लिखा है ताकि आपको पता चले कि जब आप 12th में आओगे तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ठीक है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लोगे तो काम चल जाएगा आपका. ठीक है, अभी तो आपका फॉर्मूला से काम चल जाएगा. दिस इज ई नेट, क्लियर, इज इट क्लियर. तो ई नेट इस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो इफ यू आर हैविंग अ रिंग, एक रिंग है आपके पास, तो दिस इज ई नेट, ई नेट इस डायरेक्शन में आएगा इस पी पॉइंट पे. क्लियर, क्लियर है. अजीब सा लग रहा होगा फॉर्मूला, लेकिन अभी याद करना पड़ेगा, अभी याद करना पड़ेगा. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, दीज टॉपिक्स, ये टॉपिक्स 12th बेस्ड ज्यादा हैं. कौन कौन से 12th बेस्ड है, 12th बेस्ड है, इसलिए डिफिकल्ट लगेगा, 12th बेस्ड है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा लगेगा. तो इसको अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनेंगे. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनेंगे, इस पर और इस पर ज्यादा बनेंगे. ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा, वो इजी भी लगेंगे आपको, थोड़े इजी लगेंगे. ठीक है, सो दैट्स अबाउट रिंग, रिंग के बारे में है. व्हाट अबाउट आर्क, आर्क वाला भी क्या है, बस फॉर्मूला नोट करना है और कुछ नहीं करना है. सपोज यू आर हैविंग एन आर्क, देखो रिंग के सेंटर पे कितना लगेगा, देखो रिंग के सेंटर पे कितना लगेगा, कोई बता सकता है. व्हाट विल बी द ग्रेविटेशन फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, कोई भी बता सकता है. व्हाट विल बी द ई नेट एट द सेंटर, सेंटर पे ई सी कितना होगा, बताए कोई बता सकता है, नहीं नहीं बताओगे, जीरो, इट विल बी जीरो है ना, इट विल बी जीरो. क्यों, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगा देगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ये लगा देगा. तो व्हाट विल बी ई नेट, ई नेट विल बी जीरो, कहाँ पे, एट सेंटर, सेंटर पे जीरो आता है. समझ में आया कि नहीं, क्लियर. और इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन दिस फॉर्मूला यू विल गेट जीरो, तब भी जीरो मिलेगा. ठीक है, तो रिंग के सेंटर पे है ना, फील्ड कितना होगा, फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पे. सर डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर था ना बेटा, यहाँ तो डीएम, डीएम मास यहाँ पे है ना, तो डीएम मास की तरफ जाएगी ना फील्ड, सेंटर पे कुछ है थोड़ी ना.
खींचेगा ना डीएमओ की तरफ, हर डीएमओ की तरफ खींचेगा ना भैया। ये कौन है भैया मेरे, कौन है? चलो मियां, ये आपकी तरफ से आवाज आ रही है? नहीं सर। अच्छा, फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग है ना, इस तरीके से हो जाएगा। आर्क, व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होता है मैं बता देता हूँ। आर्क क्या होता है? आर्क सर, ये आर्क तो पता ही है आपको यार, कितना होता है, थोड़ा कुछ एंगल पे हो सकता है, कुछ एंगल पे। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो और कुछ नहीं। ठीक है, बीटा, बीटा इस आर्क का मास इज नॉट गिवन, इसका लैम्डा इज गिवन एंड रेडियस इज आर, लैम्डा इज गिवन एंड रेडियस इज आर। तो फॉर्मूला इज, इलेक्ट्रो का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, टू वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा साइन बीटा बाय, इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब इसी को यहां पे लिख दो, जी टू लैम्डा साइन बीटा बाय दिस रेडियस इज आर, तो इस तरफ आएगा दैट ई नेट बाय आर। दिस इज अ फॉर्मूला, ये याद कर लेना है, परेशान मत हो, पूछेगा नहीं जल्दी, लेकिन इससे नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, नोटबुक में होना चाहिए। चलो नोट करो, नोट नहीं करना मतलब देख लो, देख लो यहाँ पे ये हो चुका है। नाउ वी आर स्टार्टिंग हॉलो स्फीयर। इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर, तो देखो, इनसाइड अ हॉलो स्फीयर इफ यू टेक एनी पॉइंट, दिस इज द सेंटर सी। अब अंदर याद रखना, अंदर फील्ड विल बी जीरो, वाइट जीरो, क्योंकि अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तो जितना फील्ड इस ये वाला पार्ट लगाएगा उतना ये वाला लगाएगा एंड इट विल गेट कैंसल, है ना। अंदर क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो। तो शेल के अंदर हमेशा क्या रहेगा, देखो अभी हम लोगों ने देखा था ना, एट द सेंटर यहाँ पे कितना हो रहा था, जीरो। तो उसी तरीके से इस हॉलो स्फीयर के पूरा अंदर नेट फील्ड कितना होगा, इट विल बी जीरो। और बाहर लोगे किसी भी पॉइंट पे आउटसाइड, तो इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास। किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह। ठीक है, तो क्या आएगा, ई का फॉर्मूला, ई इज जीरो व्हेन योर रेडियस इज लेस देन आर एंड ई इज इक्वल्स टू, इसका मास एम एंड रेडियस आर, ई इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर इफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल आर। दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। ठीक है, दैट यू हैव टू लर्न। शेल के अंदर इट विल बी जीरो, शेल के बाहर इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जीएम बाय आर स्क्वायर। बताओ डिफिकल्ट है, इज इट डिफिकल्ट? क्यों, क्या ये डिफिकल्ट है, कुछ तो बोलो। ई वर्सेस आर विल बी, इट विल बी जीरो इनसाइड अप टू आर, इट विल बी जीरो एंड फ्रॉम आर इट विल गिव यू प्रोपोर्शनलिटी, ई इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। ये इसका ग्राफ आता है। ठीक है, इसका ग्राफ आएगा, इट विल बी जीरो, यहाँ पे जीरो रहेगा ये आर तक, जीरो से लेके आर तक इट विल बी जीरो एंड फ्रॉम आर टू जहाँ तक आप जाओगे इट विल बी लाइक दिस। ये देखो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इन साइड आर दिस इज जीरो, इसलिए जीरो लगा है। ठीक है, ये जीरो लगा है, उसके बाद ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर है, इसे क्लियर सर? वो डिक्रीज हो गई, कांस्टेंट हो जाएगा या डिक्रीज करता रहेगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे ऐसे। देखो ई टेंड्स टू जीरो, ई जीरो कब होगा, व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। चलो देखो इसे अच्छे से।
नेक्स्ट इज सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर उसमें थोड़ा सा लोचा ये रहता है कि आपको मानना पड़ता है, बना बना के करना पड़ेगा. इस सब इन सबके डेरिवेशन वी विल टेक इन 12th क्लास. इसमें क्या है, अगर आप सॉलिड स्फीयर के अंदर जाते हो तो किसी भी पॉइंट आर पे इनसाइड, इफ दिस इज ऑफ रेडियस आर, ई इज इक्वल्स टू जी एम बाय, देखो वो तो सेम रहेगा जी एम बाय आर स्क्वायर. आउटसाइड, आउटसाइड वाला पार्ट दैट विल बी सेम, वो तो चेंज नहीं होगा. जी एम बाय आर स्क्वायर व्हेन यू गो आउटसाइड. अगर बाहर देखोगे ई पॉइंट पे, ठीक है, एट रेडियस आर, इट विल बी सेम. सो आर ग्रेटर देन आर पे और इक्वल्स टू आर पे इट विल बी सेम, बट ई इज इक्वल्स टू जी एम आर बाय आर क्यूब फॉर आर लेस देन और इक्वल्स टू आर. ठीक है, ये अंदर वाला है, दिस इज इनसाइड, ये आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, डेराइव हो जाता है वैसे ये, लेकिन अभी डेराइव करने का टाइम नहीं है, हम बाद में कभी कर लेंगे उसे डेराइव. ठीक है, दिस इज अबाउट इनसाइड एंड आउट. दोनों केसेस में इक्वल टू आर है? हाँ, इक्वल टू दोनों में रहेगा. इस वाले में दोनों में आप वैल्यू रखोगे इट विल बी सेम, इसमें नहीं होगा, इसमें इक्वल टू नहीं रहेगा. ठीक है, इसमें सेम रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू का आएगा लिमिट. ठीक है, इट विल गिव यू इक्वल, मतलब दोनों में इक्वल वैल्यू, सेम फॉर्मूला आएगा. ठीक है, करके देख लेना. अब क्या हो जाएगा, ई वर्सेस आर इट विल लुक लाइक कैसा, ऐसा. देखो पहले कैसे रहेगा, फ्रॉम जीरो, इसको यहाँ पे लिमिट रख लेना जीरो टू आर. यहाँ पे भी देखो ये लिमिट मैंने जीरो नहीं लिखा, ठीक है, लिमिट डाल देना यहाँ पे जीरो टू आर. ठीक है, अंडरस्टूड था कि स्मॉलर देन आर जीरो से स्टार्ट होगा. सो फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर द प्रोपोर्शनलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. हाँ, या ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल, कैपिटल आर इज कॉन्स्टेंट, है ना, कैपिटल आर इज कॉन्स्टेंट. देन कैसे आएगा, देन इट विल बी ऐसा, बिल्कुल जैसे था, ई इज प्रोपोर्शनल टू इज कमिंग प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर. क्लियर, इज इट क्लियर? सो आई डिडंट अंडरस्टैंड द ग्राफ. बेटा देखो, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आर. हाँ, या ना, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बट फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी, फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी दिस इज, दिस विल बी हैविंग द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वन बाय आर स्क्वायर. क्लियर, क्लियर? यस सर. नोट कर लो, नोट कर लो, समझना है सर. तो वी आर डन विद द फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिए हैं. नाउ द लास्ट पार्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल. सो पहले क्या है, फर्स्ट ग्रेविटेशनल, या सीधे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल ना, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो तो आपको पता ही है पहले से. बस इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ मास अंडर इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑफ एन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी
to a point. इतनी खतरनाक डिफरेंशियल लगती उतनी है नहीं. सपोज इफ यू हैविंग अ ब्लॉक, यू हैविंग अ ब्लॉक या ब्लॉक नहीं है, यू आर हैविंग अ एम मास, कैपिटल एम मास का एक ऑब्जेक्ट है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड यू आर ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट स्मॉल एम फ्रॉम इन्फिनिटी. अच्छा इन्फिनिटी पे देर विल बी, इन्फिनिटी पे क्या होगा, देर विल बी नो पोटेंशियल, कोई वर्क, कोई पोटेंशियल नहीं होगा. यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बस वो देखना है. ठीक है, यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. तो वट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा एट इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी पे है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा ना. हाँ या ना, इफ दे आर इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट तो एज पर द फॉर्मूला ऑफ फील्ड, फोर्स का फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर. इफ आर टेंस टू इन्फिनिटी तो ई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना. हाँ या ना, क्लियर? Is it clear? Please repeat what you said. Beta, if r tends to, if they are infinite distance apart, if you put the value r tends to infinity, then e will tends to zero na? Haan na? There will be no interaction. Yes, sir. लेकिन still yes. आपने क्या किया, यहाँ पे force of gravity इसका जो लग रहा होगा, that is mg, आपने इसको हल्के से push कर दिया और ये इधर इसके पास आता रहा, कहाँ पे आया, up to the point P, यहाँ पे आया हुआ, up to the point P. तो ये बताओ आपको वर्क करना पड़ा या इसने खुद खींच लिया, बताओ आपको वर्क करना पड़ा या खुद खींच लेगा ये, बोलो आपको वर्क करना पड़ा या इसने खुद खींच लिया, बोलोगे? नहीं समझे? अगर आप इसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दो तो इसका जो ग्रेविटेशन फील्ड है ये इसको खींच लेगा ना अपनी तरफ, खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? आप डिस्टेंस मान लेते पी पॉइंट तक यहां पे लेके आया, तो आपको यहां से यहां लाने में वर्क करना पड़ेगा या खुद ही खींच लेगा ये, बोलो? नहीं समझे? खुद खींच लेगा ना. सो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, एफ जी डॉट डी आर, एफ जी इस तरफ लग रहा, डी आर भी इस तरफ, तो कहां से कहां तक, पोजिशन कहां से है, इन्फिनिटी से लेके आर तक. सिर्फ जस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कितना आ रहा है, व्हाट विल बी एफ जी, जी एम एम बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर इंटीग्रेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, कितना, दैट इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा है, दिस विल बी जी एम एम बाय आर, जी एम बाय and by r infinity to r. So that is equals to g m m 1 by r minus 1 by infinity. So finally kitna aata hai, that is g m m by r. This is the formula of potential, this is the formula of potential jo bhi work karega. Ab aapne work batao, आपने वर्क पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया, आपने कितना वर्क किया, आपको तो रोकना पड़ेगा ना ताकि काइनेटिक एनर्जी गेन ना करे. आप वर्क करोगे कि वर्क खींचोगे, क्या करोगे बताओ, आप वर्क करोगे इसमें कि खींचोगे वर्क? यस, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर से देखो. यू आर रिलीजिंग दिस ऑब्जेक्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड उसकी, उसमें आप इसको रिलीज कर रहे हो. ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे इसकी तरफ जाएगा इसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? हाँ सर. ठीक है, इसका स्पीड बढ़ेगा. अब इसका स्पीड को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा ना इसको, आपको इसे रोकना पड़ेगा ना. तो आप इस पे वर्क कर रहे हो कि इसका वर्क छीन रहे हो, उससे छीन रहे हो ना, है कि नहीं? जस्ट लाइक फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन की तरह काम कर रहे हो ना, ये स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट. हाँ या ना? हाँ सर. तो आप वर्क निगेटिव करोगे कि नहीं करोगे, कितना अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, जितना ये इस पे प्लस करेगा उतना आप इस पे नेगेटिव करोगे. याद है व्हेन वी टेक एम ऑब्जेक्ट ऊपर लेके जाते थे तो ग्रेविटी उतना नेगेटिव करता था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, आप फोर्स इधर लगाओगे, नेगेटिव वर्क, कुछ याद आया? और, हाँ नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, हटा दो, जब कोई चीज ना समझ में आए
तो जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए, उसके पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हटा दो उसको, ठीक है, गया, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, दिस इज द डेफिनेशन, सिंपल सा है। फिर से देखो, दैट इज कैपिटल एम मास। हाँ या ना, समझे? फ्रेश बिल्कुल समझना, पीछे की अप्रोच हटा दो दिमाग से, है ना, फॉरवर्ड मार दो, क्लियर। दिस इज अ स्मॉल एम एट इन्फिनिटी। बताओ, एट इन्फिनिटी विल देयर बी एनी इंट्रैक्शन बिटवीन दैम? अगर इन्फिनिटी पे है तो कोई भी इंट्रैक्शन होगा? बोलो। नो सर। हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया टूवर्ड्स लेफ्ट। नाउ इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट विल पुल दिस मास, हाँ या ना? दैट विल पुल दिस मास, पुल करेगा कि नहीं? या सर। ठीक है, कितने फोर्स से करेगा? व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जी एम बाय आर स्क्वायर, इज इट करेक्ट? बोलो। हाँ सर। ठीक है, वर्क बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क बाय ग्रेविटी, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी? देखो, फोर्स एफ जी इंटू में डिस्प्लेसमेंट डी आर का इंटीग्रेशन, इज इट करेक्ट? करेक्ट है, बोलो। अब ये मत बोलो ये भी नहीं पता, ऐसे क्यों? वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती थी? डी डब्ल्यू क्या था? एफ डॉट डी एक्स। हाँ सर। तो इधर चलोगे तो दैट विल बी डी आर, डी आर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, ठीक है। अभी ठीक है कि अभी भी नहीं ठीक है? ठीक है, समझा। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर। व्हाट से पोजीशन कहां से आ रहे हैं? पोजीशन कहां से आ रहे हैं? देखो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट आर, हाँ या ना? इस पॉइंट पे आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू अ स्पेसिफिक पॉइंट पी, है ना, दैट इज आर डिस्टेंस अपार्ट, है कि नहीं? क्लियर है? तो R कहां से कहां आ रही है? इन्फिनिटी से R पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्ट है, इज इट करेक्ट? ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, क्योंकि आपको दिख रहा है दैट ग्रेविटी इज परफॉर्मिंग द वर्क, है ना, ग्रेविटी इज परफॉर्मिंग द वर्क। तो कितना आएगा? जी एम एम बाय आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस आर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर इज माइनस 1 बाय आर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर इज माइनस 1 बाय आर, लिमिट विल बी इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, क्लियर है कि नहीं? सो यू विल गेट द फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी जी एम एम बाय 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, सो यू विल गेट द फॉर्मूला जी एम एम GMM by R. This is the formula. ठीक है, this is the formula. सिर्फ magnitude की बात करें, सिर्फ magnitude की बात करें. Clear है कि नहीं? Is it clear? Is it clear? हाँ sir. Yes. अब clear है? ठीक है. Now, what amount of work you have provided? आपने कितना work किया? ये बताओ. ये m mass और ये यहाँ पे आ गए. तो आपने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय वर्क आपने कितना किया? आपका जो वर्क है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी ना, हाँ या ना? बोलो सही है कि नहीं? सही है, इज इट क्लियर? हमने तो नेगेटिव किया ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो हमने हमारा वर्क कितना हो गया? जी एम एम बाय इतना, ये दैट इज अ वर्क प्रोवाइडेड बाय यू, है ना, जो आपने वर्क किया वो इतना है। तो यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? नेगेटिव साइन बताता है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे जैसे वो पास आएंगे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। अच्छा देखो क्या होगा, इफ यू रिलीज दिस सिस्टम दे विल कम क्लोजर टू इच अदर। टोटल एनर्जी देखो, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, इफ यू टेक देम इन सिस्टम बाउंड्री देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा एंड काइनेटिक विल इंक्रीज, हाँ या ना? यही होगा ना, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही आता है, माइनस जी एम एम बाय आर, और कुछ नहीं। अगर पीछे का नहीं भी समझ में आया और ये फॉर्मूला याद कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर। और हमने इसमें क्या वर्क किया? हमने इसको रोका, अगर हम इसे रोकते नहीं तो ये वेलोसिटी गेन कर लेता और इधर चला जाता। ओके सर। ठीक है, हमने इसे रोका, अगर हम इसे रोकते नहीं तो ये वेलोसिटी गेन कर लेता और लेफ्ट में चला जाता। समझ में आया? क्लियर है? आपको सिर्फ ये याद करना है, दिस वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज माइनस जी एम एम बाय आर, माइनस साइन इज मैंडेटरी, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। अभी समझ में आ गया ना? इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आपको लग रहा है, ठीक है, बहुत आसान होता है। देख लिया, हो गया, हो गया। हाँ सर। सर चलो, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्या है वो देख लेते हैं। देखो पोटेंशियल जी तो समझ में आ गया, अब व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास अपॉन में मास, मतलब यहां पे एम ना लेके वन केजी लेते, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन में नोट करा देता हूं, अदरवाइज आपको लगेगा कि सर ने डेफिनेशन नहीं बताया, वही डेफिनेशन है, पूरा सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा ही चेंज करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट मास, टू कैरी वन केजी मास, यूनिट मास और वन केजी मास, मतलब पर केजी की बात करते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। तो बस वही है पर केजी की, व्हेन वी टॉक अबाउट पर केजी तो वो पोटेंशियल बन जाता है, वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल, मतलब कि इफ यू राइट पोटेंशियल ऑफ एम एट दिस पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर, सो पी पे क्या आएगा, वी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय, दिस इज अ पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई वी विद एम, अगर आपको किसी भी चीज का पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो जस्ट मल्टीप्लाई एम विद वी, यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया, दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन इज पोटेंशियल, ठीक है। इफ दिस इफ यू आर टेकिंग अ सिस्टम, अगर एक सिस्टम लेते हो कैपिटल एम मास का और एम का, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी ये आएगा, एंड इफ यू टेक अ पॉइंट पी तो वहां पे पोटेंशियल ये आएगा। नाउ इज इट क्लियर, अभी क्लियर है, क्लियर है, बोलो। प्लीज रिपीट द टू फॉर्मूलास बेटा, पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट मास, पर यूनिट मास और फॉर अ वन केजी मास।
अगर 1 kg के लिए इतना तो m kg के लिए कितना, उस तरीके से यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर क्लियर ओके सर। चलो एक क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा विद अ क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है दिस इज अ 5 kg, दिस इज अ 5 kg एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 meter एट पॉइंट पी। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या आता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या आएगा बताओ। क्या आएगा इट विल बी वीपी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर, सो माइनस जी इंटू में 5 kg डिवाइड बाय आर विल बी 20। सही है कि नहीं, क्लियर? कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं, ठीक है। इस बट इसी में एक और क्वेश्चन अगर हम ऐसे करते हैं, व्हेन वी ऐड अ क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसा यू आर हैविंग 5 kg मास, यू आर हैविंग 8 kg मास, डिस्टेंस इज 20 meter, फाइंड पीई ऑफ सिस्टम। अच्छा ये याद रखना, पेयर जो होता है पेयर हमेशा दो दो का ही होता है, देर इज नथिंग लाइक तीन तीन का पेयर बना देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर पेयर होता है वो हमेशा दो दो का ही होता है। तो वेन यू टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम यू हैव टू मेक पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, दो ऑब्जेक्ट का ही पेयर बनता है। तो अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। फाइंड पी ऑफ सिस्टम, तो इसमें क्या आएगा, इट विल बी सिंपल, दैट इज इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू बाय। क्लियर है कि नहीं? सो यू कितना हो जाएगा, माइनस जी 5 kg इंटू में 8 kg डिवाइड बाय आर, आर इज 20। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एनर्जी है तो जूल्स में ही आएगा, और ये कितना आएगा, जूल्स केजी पर केजी, है ना, जूल्स पर केजी। क्लियर? समझ गए? अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हुआ है, एम वन मास, एम टू मास, एम थ्री मास, तीन ही ले, नॉट मोर देन दैट। यहां पे दिस डिस्टेंस इज आर ए, दिस इज आर बी इनके बीच में, एंड दिस इज आर सी। पूछा जा रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कैसे आएगा, कैसे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आएगा बताओ। यू हैव टू मेक, दो दो का पेयर बनाना पड़ेगा, फर्स्ट मेक दिस पेयर, दिस पेयर, देन this pair, then this pair. समझ में आया कि नहीं आया? You have to make the pair. तो क्या आएगा potential energy of system? It will be potential energy of u and 2 pair plus potential energy of 2 and 3 pair plus potential energy of 1 and 3 pair. That is equal to u 1 and 2. कितना हो जाएगा? Minus g m1 m2 by ra माइनस जी एम टू एम थ्री बाय आर बी, माइनस जी एम वन एम थ्री बाय आर सी। क्लियर है कि नहीं? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? क्लियर है? है ना, इतना ही रहेगा। तो आज इतना ही रखेंगे, वी हैव कंप्लीटेड, we have complete, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग, सब कुछ हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैपलर सब कुछ हो जाएगा। अभी मेजर जो चीज़ें आपको याद रखनी हो मैं फिर से बता देता हूँ अबाउट दिस लेक्चर, जो याद रखनी है मैं आपको समझा देता हूँ, आप डरोगे वरना कि क्या क्या सर ने पढ़ा दिया जितना। फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो तो याद ही होगा, नेक्स्ट पॉइंट मास का याद रखना है,
ठीक है, फील्ड के बारे में जानना है, पॉइंट मास का याद रखना है, रॉड वाला देख लेना, नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला डिफिकल्ट है, ठीक है, रिंग वाला भी डिफिकल्ट है, आर्क वाला भी डिफिकल्ट है, बट दिस हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर दिस पार्ट यू हैव टू रिमेम्बर, ये याद रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कराना बता दिया है, बट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर, पोटेंशियल क्या होता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर सर? यस सर, आज का वीडियो अपलोड कर सकते हो क्या? आज का वीडियो क्यों छूट गया क्या कुछ? नहीं सर, मेरा पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया। लेक्चर तो पूरा कंप्लीट देखा है ना? नहीं सर, थोड़ा लेट आए थे हम, एक्चुअली AIETS का प्रिपरेशन में कुछ तो हो गया, मुझे शायद पता नहीं। चलो ठीक है, कर देंगे, ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।